हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू एवरी वन ऑफ द क्लास ट्वेल्थ प्रेजेंट ऑन दैट साइड आई विन है अगेन वेलकम ईच एंड एवरी वन ऑन द सेम प्लेटफॉर्म ऑफ द लाइव फिजिक्स वी के चैनल द प्लेटफॉर्म वेयर वी वॉन्ट टू क्लियर द वाई कॉन्सेप्ट सो दैट द हाउ कॉन्सेप्ट कैन बी ईजी सो स्टूडेंट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अपने इलेक्ट्रो के एक छोटे से सेक्शन को कम्प्लीट कर लिया है मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड उनकी असाइनमेंट्स भी देख ली उनके कुछ लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल ऑन ऑन द बेसिस ऑफ सेम थ्योरी उसी थ्योरी के बेसिस पे अब मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू करना चाहूँगा आर नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोसैट्स विच इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ओके सो लेट्स स्टार्ट विद डैट अब जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं द कॉन्सेप्ट पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के थ्योरी लेक्चर हम लोग ऑलरेडी चेकआउट कर चुके हैं और हमारा प्रोसीजर वैसा ही होगा जैसा हम लोगों ने पहले किया था मीन्स वी विल स्टार्ट विद द वन मार्क्स टू मार्क्स थ्री मार्क्स एंड द लॉन्ग क्वेश्चन ओके सो विदाउट वेस्टिंग नॉट दैट मच टाइम लेट्स कंटिन्यू विद द असाइनमेंट पोर्शन चलिए असाइनमेंट करना शुरू कर देते हैं सो दिस टाइम वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटंस बेस्ड ऑन द सी बी एस ई पार्ट वन इस बार हम लोग पहला हिस्सा यानी ये आज हमारा पहला हिस्सा है ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन एंड व्हाट इज दैट फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वटोरियल पॉइंट ओके सो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताना है ड्यू टू डाइपोल एट इक्वटोरियल पॉइंट सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू डाइपोल व्हाट इज द पोटेंशियल So, first of all, I want to give a common formula for the potential due to dipole. What is that common formula? The common formula is 1 by 4 pi efficient naught p cos theta divided by x square. Where let's suppose this is plus q, everyone. Let's suppose this is minus q. Okay. So here we have a p point. Kahin par p point le

किसी भी पोजीशन ऑफ द डायपोल के लिए लगा सकते हैं वैसे हमारे सी बी एस ई सिलेबस में केवल दो ही पोजिशन हैं एक्जियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन वरना अदरवाइज अगर आपके पास कोई भी रेंडम पोजीशन आती है आपका पी पॉइंट का जो एक्सेज है वो डायपोल के साथ 30 डिग्री बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है दिस फॉर्मूला वुड बी एप्लीकेबल फॉर द ऑल द केसेस ओके तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें सो फॉर द डाईपोल हम लोग इक्वेटोरियल पे हैं

थीटा नाइनटी सो वॉट इज कॉस्ट नाइनटी कॉस्ट नाइनटी जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियलोरियल ऑफ द डायपोलो सो दोटेंशियल एट द इक्टोरियल पॉइंट ऑफ द डायपोल इज जीरो वैसे तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं बट ये कॉमन फॉर्मूला जो हमें यहाँ से सीखना है क्योंकि यहाँ पे हम कुछ एडिशनल सीखने का ही कोशिश करेंगे सो आई होप क्वेश्चन नंबर वन ने आपको कुछ ना कुछ एडिशनल सिखाया ओके लाव मूव टू द क्वेश्चन नंबर टू सेकेंड क्वेश्चन ऑफ वन मार्क्स नेम द फिजिकल क्वांटिटी यूनिट इज जूल पर कूलम एंड स्टेट वेदर इट इज स्केलर और वैक्टर सो वेदर इट इज स्केलर और वैक्टर वो तो डिसाइड होगा पहले क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करके तो आइडेंटिफाई करते हैं जूल पर कूलम सो वॉट इज जूल जूल रिप्रेजेंट यू वर्क डन ओके कूलम क्या है बेटा कूलम रिप्रेजेंट दी चार्ज

सो इन द लेक्चर्स हम लोगों ने दोनों पॉइंट्स को क्लियर किया है बट दोनों पॉइंट में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या बताता है इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट कहा से कहा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड वॉट इज पोटेंशियल सिंपल पोटेंशियल क्या है इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ये भी सिंपल से एक तरीके से वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज है but in this case we have to bring the test charge from infinity to a point within the electric field i think definition clear hai to dono hi wahi hai par dono mein jo farak hai wo hai point ki position ka kahan se test charge ko pick karna hai aur kahan pe deliver karna hai ye ek minute sa difference hai dono but if we look for the question question ने केवल unit बताया, joule per coulomb means work done per unit charge ये स्पेसिफिकेशन नहीं है कि वो वर्क डन कहां से कहां तक है तो इसका मतलब इस टाइम पे हमारे पास चॉइस हो जाती है कि हम दोनों में से किसी भी क्वांटिटी को लिख सकते हैं आइधर आप पोटेंशियल लिख के आ सकते हो और आइधर आप पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख के आ सकते हो एम आई क्लियर ना प्रोसीड टू द सेकेंड पार्ट वॉट इज द सेकेंड पार्ट इज इट स्केलर और वैक्टर ये तो सिंपल हो गया इट इज अ स्केलर क्वांटिटी सो द पोटेंशियल बुलाइए या पोटेंशियल डिफरेंस बुलाइए दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज हैं बिकॉज दोनों ही वर्क डन पर यूनिट चार्ज है क्योंकि वर्क डन भी स्केलर है और चार्ज भी हमारा स्केलर ही हो गया आई क्लियर विद द क्वेश्चन नंबर टू ओके सो ना वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज चलिए एवरी वन चेक दिस आउट क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर थ्री से होलो मेटल स्पेयर ऑफ रेडियस फाइव सेंटीमीटर

अब बात कर रहा है वो इनसाइड और कैसा है होलो मैटल है होलो मैटल प्लीज अपने लास्ट लेक्चर की तरफ ध्यान देंगे होलो वो भी मैटल है तो होलो मैटल है तो बताइए फॉर अ होलो मैटल यानी होलो कंडक्टर के लिए व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सो द इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो और अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो डी वी बाई डी आर भी जीरो होगा यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू आर जीरो और किस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है कांस्टेंट का सो इट एम्प्लाइज दैट पोटेंशियल इनसाइड इज कांस्टेंट यानी किसी भी होलो मेटल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा विच वुड बी न्यूमेरिकल इक्वल टू द सरफेस पोटेंशियल ये हम लोग ऑलरेडी सब्जेक्ट में भी पढ़ चुके हैं थ्योरी में तो वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट सो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस इट इज 10 वोल्ट सो व्हाट वुड बी द पोटेंशियल एट द सेंटर सेंटर पे भी कितना रहेगा टेन वोल्ट रहेगा दिस इज योर आंसर बट फॉर एवरी वन मार्क्स ऑफ आंसर आई विल ऑलवेज सजेस्ट इन द सी बी एस ई प्लीज़ गो विद द एक्सप्लेनेटरी पार्ट प्लीज गो विद द सम लॉजिक सम रीजन सम डायग्राम सम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो उसके लिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकता है बिकॉज वन मार्क्स एंड टू मार्क्स आर दोज क्वेश्चन जो आपकी नॉलेज को इन्हांस करते हैं बिकॉज थ्री और फाइव में जैसे आप देखेंगे उनमें न्यूमेरिकल पोर्शन ही रहता है अदरवाइज डेरिवेशन आते हैं वो तो स्ट्रेट और डायरेक्ट फॉरवर्ड वो आपके रिमेंबर टाइप के क्वेश्चन हो गए बट आपकी स्किल बेस आपकी नॉलेज बेस आपका कंटेंट बेस आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस के क्वेश्चन वन और टू ही हैं एज पर माई कॉन्सेप्ट मैं तो यही मानता हूं तो वन और टू को आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है यू हैव टू गिव एज मच एज इंफॉर्मेशन हाँ जितना वन मार्क्स के लिए सफिशियंट है जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे अगर हम इसे पेजेस में लिखते हैं तो थ्री लाइन और फोर लाइन सफिशियंट ऐसा नहीं कि हमें पूरा पेज भरना है बट थ्री फोर लाइन सफिशियंट है बट उसमें एक रीजनेबल लॉजिक आ जाना चाहिए ओके एम आई क्लियर विद्री ना वी विल प्रोसीड टू द नंबर फोर नंबर फोर की तरफ ध्यान देंगे ही सेज अ 500 हंड्रेड चार्ज इज एट सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर तो चलिए एक काम करते हैं एक स्क्वायर बना लेते हैं सो लेट सपोज वी हैव अ स्क्वायर। दिस इज माय स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ओके एंड लेट अस गिव द नेम ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी सो दिस इज द स्क्वायर एंड फाइव हंड्रेड कूलम चार्ज इज प्लेज एट द सेंटर तो 500 हंड्रेड कूलम चार्ज हमारा कहाँ पे रखा हुआ है सेंटर पे रखा हुआ है सेंटर मीन जहाँ पे हमारे डायगनल्स मीट करने वाले हैं बाइसेक करने वाले हैं सो एट दिस पॉइंट वी हैव 500 हंड्रेड कूलम चार्ज नाउ ही सेज वॉट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज 10 कूलम बिटवीन द डायगनली अपोजिट पॉइंट ऑफ द स्क्ट सपोज हम अपने 10 कूलम को ले लेते हैं सी पॉइंट पे हमें इसे डायग्नली अपोजिट पॉइंट पे लेके जाना है तो डायग्नली सी का डायग्नली अपोजिट पॉइंट कौन हो गया ए हो गया सो आई वॉन्ट टू ब्रिंग फ्रॉम सी टू ए आप चाहें तो ए टू सी लेके जा सकते हैं आप बी टू डी भी लेके जा सकते हैं डी टू बी बट पॉइंट डायग्नली अपोजिट होनी चाहिए तो नाउ ही इज आस्किंग वॉट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन तो वी ऑल नो दैट सिंस हमें मालूम है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज और पर यूनिट टेस्ट चार्ज स्पेसिफिकली हम लोग बात करते हैं तो हमें टेन कूलम चार्ज को मूव करना है और जिस जगह से हमें मूव करना है और जहां पे हमें मूव करना है दोनों ही पॉइंट स्पेसिफिक है स्पेसिफिक का मतलब दोनों ही वेल well डिफाइंड है तो इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस गया तो बताइए वर्क डन कितना हुआ हमारा भाई तो वर्क डन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इन द चार्ज जिसे हमें मूव करना है तो इसका मतलब अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए किसका पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ए और सी का तो हमें इसे ड्रॉप कहां करना है सबसे पहले ध्यान देंगे वी हैव टू ड्रॉप दिस टू द ए ए पॉइंट पॉइंट सो फाइनल इज एंड इनिशियल सी हमें ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो चलिए अरेंज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ए का पोटेंशियल बिकॉज ऑफ फाइव हंड्रेड कुलम चार्ज क्योंकि पोटेंशियल ये जो फाइव हंड्रेड कुलम चार्ज है यही हमारा कौन सा चार्ज होगा यही हमारा सोर्स चार्ज है जिसके अक्रॉस हमें मूव करना है ओके okay? तो चलिए सोर्स चार्ज है तो ए का पोटेंशियल निकालते हैं वन बाय फोर पाई एफिशियन नॉट सोर्स चार्ज को मैं अभी कैपिटल क्यू लिख लेता हूं ओके एंड व्हाट इज द सेपरेशन ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज लेट सपोज दिस इज ओ पॉइंट सेंटर को ओ ले लेते हैं बेटा सो इट वुड बी ओ एम आई क्लियर सो व्हाट इज द पोटेंशियल एट सी इट इज वन बाय फोर पाई एफिशियन नॉट सोर्स चार्ज वही है हमारा कैपिटल क्यू जो कि फाइव हंड्रेड है एंड दिस टाइम द सेपरेशन इज ओ सी ना वी ऑल नो दैट डायगनल ऑफ द अदर बाइसेक बात हम जानते हैं और अगर डायग्नल बाइसेक करेंगे तो ओ ए वुड बी न्यूमेरिकल इक्वल टू ओ सी होगा क्लियर है ओके okay. क्यू दोनों का इक्वल है ही क्योंकि सोर्स चार्ज वही है और वन बाय फोर पा एफिशियन नॉट सो व्हाट वॉट दिस इंप्लाइज इट इंप्लाइज दैट पोटेंशियल ऑफ ए एंड सी बोथ आर इक्वल और अगर ए और सी का पोटेंशियल इक्वल है तो वॉट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस द पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी जीरो इसका मतलब सी और ए में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा ऐसे ही अगर आप बी और डी पढ़ते तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आता तो बताइए वॉट वुड बी द वर्क डन हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ही ज़ीरो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया ज़ीरो आया तो हमारा वर्क डन कितना होगा जीरो इन टू क्यू दट टेन कूलम चार्ज बट चार्ज कितना हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारा आंसर तो ज़ीरो ही होने वाला है सो वट इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर फोर द आंसर इज जीरो कैसे आया हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था और हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला उन दो पॉइंट्स का जहां से लेके जहां तक हमें उसे मूव करना था क्लियर है ओके ना प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत असाइनमेंट्स के अंदर तो एक बार इस पर जरूर ध्यान देंगे सो क्वेश्चन से चार्ज क्यू ज प्लेस एट ओ पॉइंट हमारे पास एक क्यू चार्ज है जो कि ओ पॉइंट पे रखा हुआ है ठीक है तो इस क्यू चार्ज को ले लेते हैं ओ पॉइंट पे और लेट सपोज मैं इस डायग्राम को सेंटर पे ब्रिंग कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे ओके चलिए और ये हमारा क्यू चार्ज था ओके दिस इज माई क्यू चार्ज जिसे मैं ओ पॉइंट पे रख रहा हूँ या न ओके, सो दिस इज माय क्यू चार्ज व्हिच इज एट ओ पॉइंट ओके एंड ही इज आस्किंग इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड माइनस बी वी ए माइनस वी बी जो हम ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा या जीरो होगा इफ़ क्यू इज़ पॉजिटिव एंड सेकेंड इफ क्यू इज़ नेगेटिव तो हमारे पास क्यू के भी दो ऑप्शन हैं तो सबसे पहले हम क्यू को पॉजिटिव लेके चलते चलिए अब क्यू को पॉजिटिव लेके भी करने के दो तरीके हैं जो आपको बेटर लगे उसमें ध्यान देना फर्स्ट मैथड विद द रेड कलर मार्कर से कर रहा हूं प्लीज सब ध्यान तो हमें ए और बी का डिफरेंस चाहिए तो चलिए लेट सपोज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट इज आर ए पॉइंट के डिस्टेंस को क्या ले लें आर ए और बी पॉइंट के डिस्टेंस को ले, ले लेते हैं आर आई क्लियर ये बात मैं हर केस के लिए रखूंगा ओके चलिए ए का पोटेंशियल बताएंगे पहले ए का पोटेंशियल इट इज वन बाय फोर पाई एफिशियन नॉट सोर्स चार्ज इज कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर ए इज दैट ओके वॉट इज द पोटेंशियल ऑफ बी इट इज अगेन वन बाय फोर पाई एफिशियन नॉट सोर्स चार्जेज क्यू बट दिस टाइम फॉर द बी पॉइंट द सेपरेशन इज आर बी ना वी ऑल क्लियरली नो दैट जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं दैट आर बी इज ग्रेटर देन आर ए ये सबको डायग्राम में दिख रहा है कि आर बी इज आर ए से ग्रेटर है और इफ आर बीज आर इज़ ग्रेटर देन और हाउ द आर रिलेट विद द पोटेंशियल इनवर्सली दिख रहा है इसका मतलब वी बी वुड बी लेस देन वी ए वुड बी लेस का मतलब ये है वी बी इज लेस पॉजिटिव देन वी ए देखो हमारा जो सोर्स चार्ज था वो पॉजिटिव था वन बाय फोर पर एफिश तो पॉजिटिव ही होती है और डिस्टेंस भी पॉजिटिव ही है ओके okay. एक बात आपको हमेशा याद रखनी है बेटा द पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ये हमने अभी अभी डिस्कस किया एंड वेन एवर वी आर गोइंग टू स्टडी एनी स्केलर क्वांटिटी वी हैव टू यूज द साइन हमें चार्जेस के साइन यूज करने पड़ेंगे बिकॉज साइंस आर यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था बट इस बार पोटेंशियल स्केलर है तो हम लोग इसकी डायरेक्शन नहीं दे सकते और अगर हम इसका डायरेक्शन इंडिकेट नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये हो गया हमें इसका साइन यूज़ करना पड़ेगा यानी जब जब भी एक स्केलर क्वांटिटी आएगी और उसमें अगर चार्ज कैरेक्टर है तो आपको साइन यूज़ करना पड़ेगा टू रिप्रेजेंट तो आप जैसा कि हमें देख पा रहे हैं कि हमारी जो दोनों ही टर्म है वो दोनों ही पॉजिटिव आएंगी क्योंकि क्यूँ पॉजिटिव था बट आर बी इज ग्रेटर देन आर ए तो वी बी छोटा होगा यानी वी बी वुड बी लेस पॉजिटिव और अगर वी बी लेस पॉजिटिव है तो वी ए माइनस वी बी यानी वी ए मोर पॉजिटिव है तो मोर पॉजिटिव माइनस लेस पॉजिटिव योर फाइनल आंसर वुड बी पॉजिटिव सो वॉट वुड बी द नेचर ऑफ वी ए माइनस वी बी द नेचर ऑफ वी ए माइनस वी बी वुड बी पॉजिटिव बट कब जब Q पॉजिटिव था अब इसी का ही एक अल्टरनेट तरीका देखेंगे प्लीज अभी भी Q पॉजिटिव ही चल रहा है बेटा इसका एक अल्टरनेट तरीका देखना है जो आपको बेटर लगे आप उससे जा सकते हैं

इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज़ होता है ये इम्प्लीमेंटेशन है इस नेगेटिव साइन का तो अगर हम Q को पॉजिटिव लेते हैं अगर हम Q को पॉजिटिव ले रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाएगा फॉर द पॉजिटिव चार्ज और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जा रहा है तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा एम आई क्लियर टू दैट और अगर इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है तो इसका मतलब वी बी अगर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी जा रहा है इसका मतलब ए टू बी डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करने वाला है तो इट इम्प्लाइज दैट वी बी वुड बी लेस देन वी ए जो कि यही रिजल्ट आ गया जो हमारे पास यहां पे अवेलेबल था और अगर ऐसा है कि दैट वी बी इज लेस देन वी ए तो डेफिनेटली वी ए माइनस वी बी वुड बी पॉजिटिव ही होने वाला है एम आई क्लियर विद दैट बट ये तब है जब आपका क्यू पॉजिटिव है ये हमने तब देखा जब हमारा क्यू पॉजिटिव था आप दोनों में से कोई भी मैथड ले सकते हो आइधर मैथमेटिकल चले जाइए और आइधर इसमें हाँ अगर आप सेकेंड ट्रिक से या सेकेंड अल्टरनेट मेथड से जा रहे हैं तो आपको इस नेगेटिव साइन की इंपॉर्टेंस को समझाना पड़ेगा उसे मेंशन करना पड़ेगा ताकि टीचर को ये क्लियर हो जाए बट ये तब था जब हमारा क्यू कैसा था पॉजिटिव था अब चलिए हम अपने क्यू को कैसा ले लेते हैं नेगेटिव ले लेते हैं और चलिए उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में जाके फिर इस पर काम करना शुरू करेंगे तो चलिए सो नेक्स्ट स्लाइड मैं डायग्राम को यहाँ पे वापस से लेके आ गया ओके ना चलिए अब इस पे काम करना शुरू करते हैं दिस टाइम कैसा लेना है नेगेटिव लेना है दिस टाइम क्यू इज नेगेटिव भाई ये रहा हमारा क्यू नेगेटिव तो इफ क्यू इज नेगेटिव तो चलो क्यू नेगेटिव होगा फिर भाई

इसका मतलब हमारा वी बी बी नेगेटिव आया अब नाउ इट इज बीन क्लियरली मैं आर बी इज ग्रेटर देन आर ए वो तो है ही अगर आर बी आर ए से बड़ा है तो वी बी वी ए से छोटा होगा वी बी इज लेस देन वी ए इसका मतलब ये हुआ दैट वी बी इज लेस बट कैसा लेस नेगेटिव है यानी की वैल्यू नेगेटिव तो है बट कम नेगेटिव है और वी VA ए की वैल्यू नेगेटिव में ज्यादा है अब अगर वी ए नेगेटिव मोर है माइनस वी बी नेगेटिव लेस है तो वी VA ए की वैल्यू मोर नेगेटिव है वी बी की वैल्यू नेगेटिव है बट लेस नेगेटिव है तो मोर नेगेटिव माइनस लेस नेगेटिव योर फाइनल आंसर वुड बी नेगेटिव इट्स सेल्फ ये बात क्लियर हुई मोर नेगेटिव में से अगर लेस नेगेटिव जैसे फॉर एग्जाम्पल माइनस फाइव इज मोर नेगेटिव देन माइनस टू ऐसा मान लो जैसे वी ए मान लो वी ए माइनस फाइव आया होगा और वीबी माइनस टू आया होगा तो मोर नेगेटिव में से अगर लेस नेगेटिव को माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव ही आएगा ये क्लियर हुआ ये समझाया था मैंने सो दैट मीन्स वी ए माइनस वी बी वुड बी नेगेटिव इफ चार्ज इज नेटिव चलिए इस पे भी वही दूसरी वाली ट्रिक लगा लेते हैं दैट Q नेगेटिव लेके चलते हैं और यहाँ पे भी ट्रिक क्या लगी E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर फिर मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस बट इस बार हमारा जो चार्ज है वो नेगेटिव है तो नेगेटिव है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होने वाली है ए बी टू ए और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बी टू ए जा रही है तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा इसका मतलब इस बार बी का पोटेंशियल ज्यादा या ए का किसका ज्यादा वी हैव बी ग्रेटर देन ओके ये वाली जो वैल्यू बताई है ये बेटा मैंने मैग्नीट्यूड की टर्म में बताई है मैग्नीट्यूडली मैग्निट्यूडली वी बी छोटा होगा बट नेगेटिव है तो लेस नेगेटिव आ गया अब लेस नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू बड़ी मानी जाती है ये तो आप जानते हैं जैसे माइनस फाइव और माइनस टू में ग्रेटर कौन है माइनस टू तो यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें नेगेटिव पॉजिटिव का झंझट ही नहीं है इस सेकेंड ट्रिक में हमें तो बस ये पता चल जाएगा कौन सा पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है तो इसका मतलब बी का पोटेंशियल ए से ज्यादा है क्योंकि हम बी टू ए जा रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा पोटेंशियल डिक्रीज होगा और अगर बी ए वी बी इज लेस ग्रेटर देन वी ए यानी वी ए छोटा है और अगर वी ए स्मॉल है और वी बी ग्रेटर है तो वी बी माइनस वी ए नेगेटिव यानी स्मॉल में से अगर ग्रेटर को माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव ही आएगा एम आई क्लियर टू दैट तो दोनों की अपनी अपनी अप्रोच है दोनों के अपने अपने तरीके हैं तो आप दोनों में से कोई भी मैथड और कौन भी तरीका अपना सकते हैं। एम आई क्लियर और ये जो विच एंड इज मोर पोटेंशियल किसका पोटेंशियल ज्यादा है इन सब चीजों की हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है बट बिफोर गोइंग टू द फर्दर एक चीज जो मैं आप सभी की यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूं अबाउट दिस रिलेशन माइनस डी वी बाई डी आर ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो आपको दिख ही रहा है ओके डी वी स्टैंड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस जिन दो पॉइंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं जैसे इन दिस क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट ए एंड बी नाउ द डी आर स्टैंड्स फॉर अब डी आर को सब चेकआउट करेंगे दिस डी आर स्टैंड फॉर द सेपरेशन बिटवीन बोथ द पॉइंट बट कौन सा सेपरेशन ये वो सेपरेशन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लग रहा है यानी अलोंग का मतलब उसी की एक्सिस पे ओके सो आई विल पर्सनली कॉल कि आप इस डी आर को वेल well डिफाइन कर लें सो डी आर स्टैंड फॉर वॉट सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स सॉरी बिटवीन टू पॉइंट्स अलोंग द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन होगा वही डी आर रिप्रेजेंट करता है ये आपको क्लियरली करना है बिकॉज इससे रिलेटेड इन फ्यूचर इन द सेम असाइनमेंट एक टू और थ्री मार्क्स का आपको क्वेश्चन मिलेगा और जो फोर टू फाइव टाइम्स बोर्ड के अंदर रखा गया ओके सो आई थिंक ये क्लियर है जोमेट्रिकल शेप इक्वी पोटेंशियल सर्फेस ड्यू टू सिंगल आइसोलेटेड चार्ज सो वॉट इज इक्वी पोटेंशियल सर्फेस द सर्फेज एट विच पोटेंशियल इज सेम वो सरफेस जहां पे हर जगह पोटेंशियल सेम होता है तो सिंगल आइसोलेटेड चार्ज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल आइसोलेटेड चार्ज अ चार्ज जो सिंगल है बिल्कुल एक अकेला चार्ज अब ये नहीं बताया कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव तो हम चलो पॉजिटिव ले लेते हैं सो फॉर पॉजिटिव द इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड सो आई हैव ड्रॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन सो माय इक्वी पोटेंशियल सरफेस वुड बी यानी वो पॉइंट जहाँ पे हर जगह पोटेंशियल सेम होगा दैट पॉइंट वुड बी इन स्पेरिकल शेप दिस इज माई इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसे ही मैं अपना नेक्स्ट इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना सकता हूं बट ये हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर बेटा तो डीवी इज द पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इज वो तो यह दिखाता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा डी आर स्टैंड फॉर द सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट सो इफ आई टेक दिस ए एंड दिस एज अ तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन डी हो गया ये अब यही डी को अब आप, आप दूसरी डेफिनेशन दे सकते हो यहाँ पे वॉट यू कॉल दी आर यू कैन कॉल दी आर द सेपरेशन बिटवीन इक्वी पोटेंशियल तो डी आर को आप टू तरीके से डिफाइन कर सकते हो द सेपरेशन बिटवीन द टू पॉइंट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया और एक अगर आपके पास इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस है तो आप उसकी टर्म में भी डिफाइन कर सकते अब जैसे जैसे हम चार्जेस से आइसोलेटेड चार्ज से दूर जाते जाएंगे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी और अगर ई e कम होगा तो हमारे हर इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप बढ़ता जाएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा गैप दिखा देंगे नेक्स्ट टाइम तो दिस इज बीन आइसोलेटेड चार्ज बट ये डिफाइन नहीं था कैसा था तो हमने इसे पॉजिटिव ले लिया सिमिलरली यू कैन वर्क एज अ नेगेटिव तो आप नेगेटिव क्यू पे भी काम कर सकते हो तो बस डिफरेंस वुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आउटवर्ड था वो इस बार इनवर्ड में जाएगा तो हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस फिर से कैसा होगा इट वुड बी अगेन स्पेरिकल इन कैरेक्टर चलिए सेकेंड वाला ड्रॉ कर लेते हैं और जैसे जैसे हम लोग नेगेटिव चार्ज की तरफ जाते जा रहे हैं हमारा वही वाला कैरेक्टर में थोड़ा सा वेरिएशन डी आर में थोड़ा थोड़ा गैप करता जाएगा आप इन दोनों में से कोई भी ड्रॉ कर सकते हो इट इज योर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज एंड दिस वन इज आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज क्लियर क्योंकि क्वेश्चन मेंशन नहीं है कि कैसा आइसोलेटेड चार्ज है बस केवल इतना मेंशन है आइसोलेटेड है तो हमारी चॉइस है यहाँ पे हेमा क्लियर ओके ना प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो वी हैव अवेंबल ऑफ वन मार्क्स एंड ही से फॉर एनी चेंज कॉन्फोग्रेशन इक्वी पोटेंशियल सर्फेस थ्रू अ पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट को हमें जस्टिफाई करना है वी हैव टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट दैट इक्वी पोटेंशियल सर्फेस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल होगा चलिए इस पॉइंट को एक बार जस्टिफाई कर देते हैं अब इसके जस्टिफिकेशन पे एक बार सब ध्यान देंगे बट उस पर जाने से पहले हमें एक बार इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस की प्रॉपर्टीज़ देखनी पड़ेंगी सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इन अ क्विक मैनर लेट्स चेक आउट द प्रॉपर्टीज़ एक बार उसकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं बेटा प्रॉपर्टी नंबर वन इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल हर जगह सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो हमारे लिए होता है बट हमारे लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जीरो क्योंकि पोटेंशियल तो हमारा सेम है तो यहाँ पे वर्क डन ज़ीरो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है

दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी अगर मैं लेके जाता हूं तो डेफिनेटली मैंने इसका अंदर डिस्प्लेसमेंट किया लेट सपोज द डिस्प्लेसमेंट इज डी एस अब ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट डिस्प्लेसमेंट को अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इस डब्ल्यू को आप बुलाएंगे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रिक फोर्स सीधी सी बात है ओवर इक्वी पोटेंशियल तो अगर हमारा वर्क डन जीरो है तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो इक्वी पोटेंशियल पे एफ डॉट डी एस जीरो होना चाहिए इट मींस एफ डी एस कॉस्ट नाइनटी सॉरी कॉस्ट थीटा शुड बी जीरो अब इस टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट करेगी क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तभी अब लोग इक्वी पोटेंशियल सर्फेस के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब फोर्स तो लगेगा ही लगे डिस्प्लेसमेंट ये भी होगा मीन्स फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है फिर भी वर्क डन जीरो तो तो ये तभी तो हो सकता है जब कॉस थीटा जीरो हो जाए और कॉस थीटा जीरो कब होगा जब थीटा नाइनटी अब ये थीटा किसके बीच का एंगल था फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ओवर द सरफेस ये परपेंडिकुलर होने चाहिए और ये बात तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स में जब पहली बार इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ी थी तब हमने देख लिया था दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन याद है ई वैक्टर इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज ये हमारा बेसिक डेफिनेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड का तो इसका मतलब अगर फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये कहां पे हो रहा है बेटा ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ओवर द सरफेस तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस बट किसका सरफेस इक्वी पोटेंशियल का सरफेस क्योंकि ये कहानी शुरुआत ही इक्वी पोटेंशियल से तो टू जस्टिफाई देम आपको इस सेकेंड वाले पॉइंट को अंडरस्टैंड या सेकेंड वाले पॉइंट को समझाना पड़ेगा मैंने फर्स्ट पॉइंट भी आपको समझाया अगर किसी को यह डाउट होता है कि सर वर्क डन ओवर द इक्वी पोटेंशियल जीरो क्यों है बट फॉर द आंसर एंड फॉर द योर क्वेश्चन पेपर यू हैव टू गो विद द सेकेंड पार्ट ऑल्सो मैथमेटिकल जितना जाएंगे वो चीज़ उतना ही एक्सप्लेनेटरी लगेगी एंड इट वुड बी बेटर हाँ लास्ट में आप लोग अपना लाइन लिख सकते हो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सर डन है ओके नाव वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन एंड नाव वी आर प्रोसीडिंग टू द टू मार्क्स एंड थ्री मार्क्स के क्वेश्चन पे प्रोसीड कर रहे हैं हम लोग चलिए चलिए अब इन टू मार्क्स और थ्री मार्क्स के क्वेश्चन को देखते हैं सो वी हैव अ क्वेश्चन नंबर एट तो इसे एक बार चेकआउट करते हैं क्वेश्चन इज टू पॉइंट चार्जेस क्यू वन विच इज टेन इंटू टेन की पावर माइनस एट एंड अनदर क्यू टू ओके दिस इज बीन क्यू टू माइनस टू इंटू टेन की पावर माइनस एट कूलम सेपरेटेड बाय दैट मच सो लेट सपोज दिस इज माय क्यू वन टेन इंटू टेन पावर माइनस एट दिस इज माय क्यू टू नेगेटिव टू इंटू टेन पावर माइनस एट सेपरेटेड बाय सिक्सटी सेंटीमीटर और वो भी एयर के अंदर एयर चल रहा है कोई पर्टिकुलर मीडियम नहीं है यहाँ पे सो व्हाट ही इज आस्किंग फाइंड एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज क्यू वन ये जो क्यू वन है इस डिस्टेंस से वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी ज़ीरो कहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा सो लेट सपोज दिस पॉइंट इज ए दिस पॉइंट इज बी एंड आई एम टेकिंग दैट थर्ड पॉइंट एज अ सी पॉइंट ओके मैंने यहाँ पे थर्ड पॉइंट सी इन बिट्वीन दैम ले लिया है क्योंकि अब ये मैटर नहीं करेगा क्योंकि एक स्केलर क्वान्टिटी है तो बताइए सी पॉइंट पर कितने पोटेंशियल लगेंगे बिकॉज ऑफ ए एंड बिकॉज ऑफ बी तो लेट सपोज एट सी ड्यू टू ए चलिए इस पोटेंशियल को आई एम गोइंग टू गिव द नेम वी वन तो पोटेंशियल कितना होगा वन बाय फोर पाए एफिशियन नॉट चार्ज कितना है क्यू वन टेन इंटू टेन पावर माइनस एट एंड लेट सपोज द डिस्टेंस ऑफ द सी पॉइंट इज एक्स एक्स सेंटीमीटर तो ये कितना बच गया सिक्सटी माइनस एक्स सेंटीमीटर आई एम टॉकिंग इन सेंटीमीटर तो अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये यहां पे कितना चला जाएगा x इंटू टेन पावर माइनस टू एम आई क्लियर विद द इक्वेशन वन चलिए अब आ जाते हैं इक्वेशन टू यानी द पोटेंशियल एट सी बट दिस टाइम ड्यू टू वॉट B की वजह से कितना होगा ये देख लेते हैं बेटा चलिए सो ड्यू टू बी द पोटेंशियल V2 टू वुड बी हाउ मच इट वुड बी वन बाय फोर पाई नॉट चार्जेज टू इंटू टेन पावर माइनस एट नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है एंड द डिस्टेंस दिस टाइम इज नेगेटिव एक्स बट सेंटीमीटर में था तो इंटू टेन पावर माइनस टू सो दीज आर द टू पोटेंशियल ये वो दो पोटेंशियल हैं जो हमारे सी पॉइंट पे लग रहे हैं तो सी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल कितना चाहिए जीरो सिंस एट सी नेट पोटेंशियल इज जीरो बट वी ऑल नो दैट पोटेंशियल स्केलर क्वान्टिटी तो नेट कैसे आएगा एलजेब्रिक समी वन प्लस इट मीन शुड और अगर वी वन माइनस ऑफ वी टू है तो एक बार इसे जल्दी से फिनिश आउट कर लेते हैं यहीं पर साइड में ताकि हमें नेक्स्ट स्लाइड पर अभी के लिए ना जाना पड़े तो वी वन की वैल्यू कॉल करते हैं वन बाय फोर पाए नॉट टेन इंटू टेन पावर माइनस एट डिवाइडेड बाय एक्स इंटू टेन पावर माइनस टू वी टू की वैल्यू कॉल करेंगे माइनस वन बाय फोर पाई नॉट टू इंटू टेन पावर माइनस एट डिवाइडेड बाय एंड इन द डिनोमिनेटर यहां पे था बेटा सिक्सटी माइनस एक्स इंटू टेन पावर माइनस टू एम आई क्लियर ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया आप समझ ही रहे होंगे सो माइनस टू गोज विद माइनस टू वन बाय फोर पाई एफिशियन नॉट गोज टेन पावर माइनस एट गोज़ विद द टेन पावर माइनस एट तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे हमारे पास बच गया टेन बाय एक्स इज इक्वल टू टू बायसटी माइनस एक्स बट ये टू नेगेटिव का था ओके okay? सो so, एक बार कैंसिल कर देते टू फाइव एंड अस क्रॉस मल्टीप्लाई इट. और अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्या आता है सिक्सटी ज़ीरो सिक्स फाइव थर्टी थ्री हंड्रेड नेगेटिव फाइव एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स नेगेटिव है इस नेगेटिव साइन को नहीं भूलना है सो फाइव एक्स गोज एयर थ्री हंड्रेड इज टू सिक्स एक्स और एक्स इज इक्वल टू सिक्स थ्री हंड्रेड बाई सिक्स विच इज इक्वल टू एक्स इज टू फिफ्टी और हमने एक्स को सेंटीमीटर में ही लिया था सो वॉट इज़ आर करेक्ट आंसर दिस इज बीन फिफ्टी सेंटीमीटर सो एट वॉट पॉइंट वी हैव द पोटेंशियल जीरो बिकॉज ऑफ द टू चार्जेस एट फिफ्टी सेंटीमीटर बट कहाँ से फ्रॉम द क्यू वन और हमें क्वेश्चन में ही साफ साफ लिखा गया है क्यू वन से ही हमें वो डिस्टेंस बताना है तो इसलिए हमने क्यू वन से ही पहले एक्स ले लिया हमारा क्लियर ओके नाव इन द सेकेंड पार्ट वॉट इज आस्किंग इन द सेकेंड पार्ट ऑल्सो कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम सिस्टम मीन्स Q1 और Q2 की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी सिंपल सा एक्सप्रेशन है हमारे पास तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए चलिए एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे चल लेते हैं बेटा सो इन द पोटेंशियल एनर्जी सो एक बार डायग्राम को देखेंगे Q1 और Q2 का पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन सिंपल इन द पार्ट टू वॉट इज आर पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज बीन गिवन बाय वन बाय फोर पाई एफिशियन नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर उन दोनों के बीच का ओके सेपरेशन सो वैल्यू रख लेते हैं वन बाय फोर पाईशियन नॉट नाइन इंटू टेन पावर नाइन क्यू वन याद है टेन इंटू टेन पावर माइनस एट इतना रिमाइंड होना चाहिए क्यू टू वॉज नेगेटिव टू इंटू टेन पावर माइनस एट बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर है एंड सेपरेशन वॉज सिक्सटी इंटू टेन पावर माइनस टू ओके okay, अब आसान है इसे सिंपली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं चलिए सॉल्व करते हैं सो so, अगर हम अपने टर्म्स टर्म्स को अलग कर लेते हैं नाइन इंटू टू डिवाइडेड बाई सिक्स ओके टेन पावर माइनस टेन पावर नाइन ओके पॉजिटिव का एक ही हो गया दिस वन इज़ पॉजिटिव ना जो जो पॉजिटिव पावर एक बार बोले लेते हैं टेन पावर नाइन पॉजिटिव टेन तो टेन पावर टेन हो गई माइनस टू ऊपर जाएगा तो फिर से एक पॉजिटिव दो पॉजिटिव हो गए नाइन प्लस वन टेन प्लस ट्वेल्व तो हमारे पास टेन पावर ट्वेल्व पॉजिटिव हो गई बट अगर नेगेटिव में देखते हैं तो नेगेटिव में माइनस एट माइनस एट माइनस सिक्सटीन और ये वाला जो जीरो है ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस सेवेंटीन आई थिंक इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोला बुलाऊ हाँ नेगेटिव साइन है हमारे पास वो हम लोग अपने पास रखेंगे एम आई क्लियर तो आई थिंक हम लोगों ने सॉल्व कर लेते इट वुड बी टू थ्री एंड दिस वुड बी थ्री सो योर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव थ्री ट्वेल्व okay, माइनस 17 कितना हो गया टेन पावर माइनस फाइव जू दिस इज बीन और यू कैन ऑल्सो राइट अगर आप करना चाहें तो वी कैन ऑल्सो राइट माइनस सॉरी हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं माई मिस्टेक अगर हम इसे माइनस सिक्स बनाना चाहते हैं इफ वी वॉन्ट टू मेक द पावर एज अ माइनस सिक्स सो आई थिंक आई कैन राइट थर्टी इंटू टेन पावर माइनस सिक्स और माइनस सिक्स को ही क्या बुलाते हैं माइक्रो सो द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव थर्टी माइक्रो जूल आप चाहें तो ऐसे जा सकते हैं अदरवाइज यू कैन स्किप इन द जूल ऑल्सो आप चाहें तो इसे जूल में भी छोड़ दो योर आंसर वुड बी हंड्रेड परसेंट करेक्ट इस चीज के लिए कोई नंबर नहीं कटे एम आई क्लियर विद दिस क्वेश्चन ही इज आस्किंग फॉर द पॉइंट जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा वो हमने निकाल लिया विच इज फिफ्टी सेंटीमीटर एंड आफ्टर दैट ही वॉज आस्किंग फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डन है ओके okay, तो चलिए आगे चलते हैं नाव वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कुछ इस तरीके से ही इज आस्किंग ड्रॉ द थ्री इक्वी पोटेंशियल सरफेस करोस्पॉन्डिंग टू अ यूनिफॉर्मली इंक्रीज मैग्नीट्यूड बट सेम डायरेक्शन इन जेड ओके और ये वाली जो सर्फेसिज हैं वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड से कैसे जाएंगे तो पहले तो ये बना लेते हैं पहले कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं और वो भी किस डायरेक्शन में Z में तो अब हमारे पास तीनों एक्सिस हैं X, Y, Z। बट यू ऑल नो दैट एज अदर थ्री डायमेंशन हम Z को डायगनली लेते हैं तो दिस टाइम हमें X और Y की इतना ज्यादा जरूरत है नहीं तो दिस टाइम वॉट आई एम गोइंग टू टेक आई एम गोइंग टू टेक माई जेड डायरेक्शन एज यूजल जैसा होता है चलिए अब इस z डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है वो भी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है तो ये ऑरिजन है लेट सपोज तो जैसे जैसे z में जाएंगे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा क्लियर है समझ रहे हो तो इंक्रीज होगा इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्राउड आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे द क्राउड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा एम आई क्लियर टू दिस टर्म द क्राउड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंक्रीज इन द जेड डायरेक्शन डन है अब हमें इसका इक्वीपोटेंशियल सरफेस बनाना है। तो चलिए इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस पे आ जाते सो so, नियरली दूर था तो नियरली हमारा सरफेस कहीं ना कहीं प्लेन ही था क्योंकि जब हमारे पास दूर है तो ऑब्वियसली बात है वो पैरल की तरह ही थोड़ा बिहेव करेंगे सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वी पोटेंशियल सरफेस इसके बाद हमारा सेकेंड बना जो हाइट वाइज और आप कह सकते हो थोड़ा सा स्मॉलर इन साइज़ होगा ठीक है तो ये हमारा सेकेंड बन गया स्मॉलर साइज का बन गया ओके लेट सपोज द सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वी पोटेंशियल इज स्मॉल फिर आ जाते हैं थर्ड में अब आपको थोड़ा ध्यान में रखना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन जब हम लेफ्ट से राइट right की तरफ जा रहे हैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है एंड ई इज इक्वल टू नेगेटिव डी वी बाई डी आर मीन्स मैग्नीट्यूडली फॉर अ कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मतलब अगर इसका फर्स्ट वाला सरफेस और सेकेंड वाले का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो फॉर एग्जाम्पल टू वोल्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं अगर वन और टू का डिफरेंस टू वोल्ट है तो टू और थर्ड का जो डिफरेंस है वो भी टू वोल्ट लेके चलते हैं यानी अगर वन को फाइव वन uh, को अगर हम लोग सेवन वोल्ट मानते हैं वन को मान लें कितना सेवन वोल्ट तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस होता है वो तो बिल्कुल बात है बट अगर हम डी को कॉन्स्टेंट रखें तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डी के साथ कैसे है इनवर्सली और ये बात तो आपको मैंने बहुत बार सिखाई है कि अगर हमें किसी भी दो टर्म के बीच में प्रपोर्शनैलिटी चाहिए व्हाट वी नीड वी हैव टू टेक द अदर टर्म एज अ कांस्टेंट तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पे DR e DR, मेरा DV होना चाहिए तो मैं उसे कॉन्स्टेंट मेंटेन करके चलूंगा ये मेरा पहला कंडीशन है और इसको आपको समझना पड़ेगा अब Z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो डी डिक्रीज होगा यानी इक्वी पोटेंशियल सर्फिस के बीच का सेपरेशन कम होता जाएगा बट कब कम होता जाएगा कौन सी इक्वी पोटेंशियल सरफेज जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर का हो यानी अगर फर्स्ट सेवन वोल्ट है तो सेकेंड फाइव वोल्ट हो गया समझ रहे हो बात को टू वोल्ट का डिफरेंस हो गया और डिक्रीज होता जा रहा है जो नेक्स्ट होगा वो कितने वोल्ट का पोटेंशियल कितने वोल्ट पर पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सर्फेस बनना चाहिए जो नेक्स्ट वाला है वो हमारा जो थर्ड सरफेस है लेट्स सपोज दिस इज थर्ड सरफेस तो थर्ड सरफेस होना चाहिए थ्री वोल्ट पे तो देखो टू और थ्री का डिफरेंस फिर से टू वोल्ट का यानी कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे अब जो सेपरेशन होगा लेट सपोज दैट सेपरेशन इज बी एंड दैट बी वुड बी लेस देन ए ये समझ रहे हो कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करते जाएंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच का सेपरेशन कम होता जाएगा बट कब जब डी कॉन्स्टेंट होगा तो यानी जो आप फर्स्ट सरफेस देख रहे हो जो आप सेकंड सरफेस देख रहे हो जो आप थर्ड सरफेस देख रहे हो तो फर्स्ट और मैंडेटरी आप, तो तो आप चाहें तो ये वैल्यूज को स्किप कर सकते हो जैसे मैंने ये जो टू वोल्ट रखा है ये आप हटा दीजिए बट ये जो सेपरेशन का गेम है ये आपको बताना पड़ेगा विद्लीट रिलेशन क्लियर विदार्टन ओके नाउ द पार्ट टू पे देखते हैं पार्ट टू में इसने पूछा है हाउ आर दी सरफेस आर डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस बार तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही थी Z. इस बार कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं और वो भी Z डायरेक्शन में तो चलो फिर से ड्रॉ कर लेते हैं लेट सपोज आई एम अगेन टेकिंग दिस एज अ Z डायरेक्शन तो इस बार हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है यानी यूनिफॉर्म है तो आई विल रिप्रेजेंट बाई यूजिंग सॉरी थोड़ा सा टिल्ड बन गया आई विल रिप्रेजेंट बाई यूजिंग द पैरल लाइन्स ओके सो आई एम यूजिंग द पैरल लाइन्स टू रिप्रेजेंट माई कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन तो चलिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस प्लेन बनेगा चलो भाई बन गया हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस प्लेन हो गया डन है चलिए ओके दिस इज माय फर्स्ट सरफेस सिमिलरली आई विल टेक माय सेकंड सरफेस एंड लेट सपोज द सेपरेशन बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट सरफेस इज ए नाउ आई विल टेक माय थर्ड सरफेस एंड द थर्ड सरफेस सेपरेशन विज बी बट इस बार हमारा जो ईडीआर के साथ है तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू डी आर बट इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है तो हमारा जो डी आर है वो भी क्या होने वाला है बेटा वो भी हमारा कॉन्स्टेंट ही रहेगा मीन्स द सेपरेशन बिटवीन द इक्वी पोटेंशियल सरफेस वुड बी ऑल्सो कॉन्स्टेंट बट कब जब डी वी कॉन्स्टेंट रहेगा यानी वन और टू का जो डिफरेंस है फिर वही टू और थ्री का सेम होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए यानी अगर आपने वन को सेवन लिया है तो टू को फाइव लीजिए थ्री को थ्री लीजिए फोर्थ को वन वोल्ट लीजिए ऐसे चलिए ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट को सेवन ले रहे हैं सेकंड को तो फाइव ले रहे हैं पर जो तीसरा सरफेस जो है वो आप वन वोल्ट पे ही डायरेक्ट बना रहे हो या टू वोल्ट पे बना रहे हो यानी फर्स्ट और टू का तो डिफरेंस आया टू वोल्ट बट सेकंड और थर्ड का आप पोटेंशियल डिफरेंस ही कुछ और ले रहे हो फिर तो आपका डीवी कॉन्सेंट नहीं हुआ ना फिर ये रिलेशन काम नहीं करेगा एम आई क्लियर ये फाइव वोल्ट है बेटा किसी को सिक्स ना दिखे इट इज बीन फाइव वोल्ट यहां मैं कट कर देता हूं ठीक है तो इसका मतलब दिस टाइम डी आर भी सेम रहेगा यानी इस बार सेपरेशन बिटवीन ईच इशियल सरफेस वुड बी सेम एम आई क्लियर जस्ट ओनली डायग्राम था बट इस डायग्राम में जो लॉजिकल पार्ट था वो एक इनहेंस लेवल तक लेके जाता है तभी तो कहा ना ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपकी नॉलेज को आपकी वेराइटी uh, आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट आपके बेसिक्स आप कितना सोच सकते हैं उन सबको चेक करने के लिए इतना टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन इज द नेट कैपेसिटेंस ऑफ थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज इज वन माइक्रोफेराड सो वॉट इज वन माइक्रोफेराड इट इज द नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज बट किस का थ्री आइडेंटिकल का सो लेट थ्री आइडेंटिकल विद सी ईच ओके तो तीन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स जो हो गए ना मेरे तो मैंने तीनों को सी ईच ले लिया तो इन सी एस क्या होता है भाई फॉर्मूला वन बाय सी एस सिंस इज हाउ मच वन बाय सी वन प्लस वन बाय सी टू प्लस वन बाय सी थ्री बट मेरे तीनों तो आइडेंटिकल हैं तो वन बाय सी प्लस वन बाय सी प्लस वन बाय सी सो वॉट इज वन बाय सी एस इट वुड बी थ्री टाइम्स ऑफ वन बाय सी और वी कैन इम्प्लाई दैट सी वुड बी थ्री टाइम्स ऑफ सी एस तो हमारा कैपेसिटेंस ऑफ इच कितना क्योंकि इसकी यूनिट भी माइक्रोफेराड थी तो वो डायरेक्टली माइक्रो में ही आ गया तो आई थिंक ये पहला पार्ट हो गया सो वट विल बी द नेट कैपेसिटेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरल तो इन पैरल में क्या होगा भाई तो इन पैरेलल अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो इन पैरेलल सी पी इज इक्वल टू दे आर द डायरेक्ट एल सम ये रेजिस्टेंस से बिल्कुल उल्टा है जो आपने टेंथ क्लास में पढ़ा था वहाँ पे सी एस यानी रेजिस्टेंस इन सीरीज डायरेक्ट ऐड होते थे और पैरेलल में रेसिप्रोकल ऐड होते थे यहाँ पे उल्टा कहानी हो गया बाकी पैटर्न काम करने का तरीका वही है तो सी पी इज इक्वल टू ईच कितना है थ्री थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री इट वुड बी हाउ मच थ्री थ्री इज नाइन वॉट इज द सी पी सी पी वुड बी नाइन माइक्रोफेर आई थिंक फर्स्ट पार्ट बहुत आसान है बिल्कुल जल्दी से हो गया सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं सेकेंड पार्ट वॉट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर इन द टू कॉन्फ्योग्रेशन टू कॉन्फुग्रेशन मतलब टू केसेस पहला केसेस था सीरीज का और दूसरा केस है पैरल का सो वॉट इज द एनर्जी स्टोर रेशियो इन बोथ द केसेस इफ वी हैव सॉरी सो सो ट इज द एनर्जी रेशियो इन बोथ द केसेस इफ दे आर कनेक्टेड टू सेम सोर्स सेम मीन्स सेम वोल्टेज देते हैं चलो दोनों को सेम सोर्स यानी वोल्टेज दोनों का सेम एक बार सीरीज और एक बार पैरल तो so, दोनों का एनर्जी का रेशियो सीरीज बाय पैरल ले लेते हैं चलो एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वेयर बट इस बार जो हमारा कैपेसिटेंस है वो सीरीज का जो सीरीज में नेट आया ओके okay? पैरल में हाफ सी पी वी स्क्वेयर दोनों को हमने v यानी हमारा सोर्स सेम था तो v स्क्वायर गोज विद v स्क्वायर हाफ गोज विद हाफ सिंपल एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज टू द पैरेलल इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इन सीरीज टू द कैपेसिटेंस इन पैरेलल और सीरीज में हमारा कैपेसिटेंस okay, कितना है भाई थ्री वन माइक्रोफेराड जो हमें ऑलरेडी गिवन है बेटा ओके वन माइक्रोफेराड और पैरेलल में कितना आया हमारा नाइन माइक्रोफेराड आया है तो इन पैरेलल वी हैव नाइन माइक्रो माइक्रो गोज विद माइक्रो सो वॉट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज टू पैरल इट इज बीन बाई नाइन ओके और यू कैन सेन रेशियो नाइन सीरीज टू द पैरल रेशियो एम आई क्लियर सो दिस इज बीन आर सिंपल डायरेक्ट न्यू मार्क ओके वैसे यहाँ पे कोई मैंशन नहीं है कि वेदर वी हैव टू फाइंड आउट सीरीज टू पैरल और पैरल टू द सीरीज ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सा लेना चाहें ओके okay? ओके okay. ना वी आर जम्प टू द क्वेश्चन नंबर इलेवन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है देखेंगे एक बार ही से मूव विदाउट एक्सलरेशन और ये बात तो इस चैप्टर का बिल्कुल मकसद ही है कि इस चैप्टर में जब भी चार्ज मूव करेगा वो विदाउट एक्सलरेशन ये मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ फ्रॉम ए टू सी ए से कहाँ लेके जाना है दिस इज ए टू सी लेके जाना है फ्रॉम ए टू बी बात यानी पहले हम ए से बी जाएंगे Then from B to C. Okay? और तीनों के कॉर्डिनेट्स आपको दिए हैं सो कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी एंड एट विच पॉइंट ऑफ द टू द पोटेंशियल इज मोर एंड वाई तो चलिए पहले तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है देखो यहां पर कॉर्नर पर लिखा हुआ है ई e, तो वी ऑल नो दैट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है तो वी ऑल नो दैट ई इज इक्वल टू नेगेटिव डी वी वाई दिया जहां पे नेगेटिव साइन इंप्लाई करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस तो इसका मतलब पोटेंशियल डिक्रीजेस तो अब हम केवल मैग्नीट्यूड पे काम कर लेते हैं पहले ओके लेट्स वर्क मैग्नीट्यूडली कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है बाद की बात करेंगे सो so, मैग्नीट्यूडली अगर हम वर्क करें तो ई इज इक्वल टू जस्ट ओनली डी वी बाई डी आर सो वॉट इज डी वी इट इज ई मल्टीप्लाई बाई डी आर अब इस डी आर को डिफाइन कीजिए वॉट इज डी आर डी आर वैसे तो सेपरेशन बिटवीन टू इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है चलो वो भी हो गया तो अब अगर आप इसे इस नजरिए से देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस इमेजिन करने पड़ेंगे जैसे हम ए टू सी जाना चाहते हैं तो भाई ए का इक्वी पोटेंशियल सर्फेस यहां पे एक प्लेन बनेगा भाई है ना ओके ये कॉर्डिनेट सॉरी शायद कॉर्डिनेट आपका पीछे छुप गया होगा ये कॉर्डिनेट सिक्स है ओके ओके बी सी का चाहिए तो हम सी पे भी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरल है तो हमारा इक्वी पोटेंशियल प्लेन बने तो ये हमारा डी आर हो गया भाई वी नीड दिस सेपरेशन तो आप ऐसे भी देख सकते हो और चाहे तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो इट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू पॉइंट्स बट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो यही डी आर है तो ए का कोऑर्डिनेट था सिक्स जीरो सी का कोऑर्डिनेट है टू जीरो तो हमारे पास ये सेपरेशन कितना आ गया फोर सेंटीमीटर मीटर नहीं मेंशन है तो हम लोग इस फोर को फोर ही रहने देंगे ओके तो व्हाट इज डी वी इट इज ई टाइम्स ऑफ फोर सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज फोर ई एम ए क्लियर आप चाहें तो इसे यूनिट में यहां लिख दीजिए वोल्ट ओके नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट पे देख लेते हैं सिंपल है एट विच ऑफ द टू पॉइंट्स जो हमने बोले थे इनमें से पोटेंशियल किसका ज्यादा है तो इसमें आपको वो नेगेटिव साइन का कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा क्या इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर पोटेंशियल डिक्रीजेस ये हेल्प करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है हमारी कहां लेफ्ट से राइट यानी सी से ए की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीजेस करेगा वी डिक्रीजेस और अगर पोटेंशियल डिक्रीज करता है इसका मतलब वी ए इज लेस देन वी सी तो विच वन हैज़ द हायर क्योंकि देखो सवाल यह पूछा गया है किसका पोटेंशियल ज़्यादा है तो डेफिनेटली वी हैव टू इंडिकेट दैट सी हैज़ ग्रेटर पोटेंशियल ये हमें लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे तो आपको क्वेश्चन में यही चीज़ है सी हैज़ ग्रेटर पोटेंशियल तो ये लाइन वैसे लिखिए हां क्यों उसके लिए ये रीजन आप लोग ऑलरेडी पहले ही जो चुके हो सर नेगेटिव साइन क्या इंप्लाई करता है एम आई क्लियर टू दैट सो आई होप क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ आप लोगों को क्लियर है आसान था इजी ओके ओके ना प्रोसीड ज्यादा आप क्वेश्चन नहीं लूंगा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा जस्ट ओनली वन और टू क्वेश्चन और हैं प्लीज सो so, एक बार इन्हें फिनिश कर लेते हैं देन वी विल पार्ट टू में करेंगे बाकी पेंडिंग ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व A dielectric slab of material dielectric constant K of same area as of the plate of PPC but thickness D by 2 where D is the separation between the plate is inserted. So, dielectric slab wala case aapko yaad padega. So, here we have a parallel plate capacitor which is being connected to a battery and inside that parallel plate capacitor a dielectric slab is inserted. यहां पे एक स्लैब इंसर्ट कर दिया है हुज थिकनेस इज डी बाई टू डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के ओके और जो हमारा पी पी स था ऑरिजिनल पीपीसी द सेपरेशन ऑफ ऑरिजिनल पीपीसी वॉ डी और दोनों का जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया है अगर आप लोग दोनों प्लेट को इस तरीके से देख रहे हैं सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया अगर आप इसे फ्रंट में करें तो दिस एरिया आई एम टॉकिंग अबाउट सो एरिया ऑफ बोथ दैम एस सेम तो नाउ इज आस्किंग व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस आफ्टर इंसर्टिंग द स्लैब ये तो बहुत आसान है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा फॉर्मूला जो हम डिराइव कर सक चुके हैं सो कैपेसिटेंस व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड इट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इन एयर डिवाइडेड बाई ब्रैकेट वन माइनस टी बाई डी ब्रैकेट वन माइनस वन बाय के एम आई वेयर टी रिप्रेजेंट द थिकनेस डी इज द ओरिजिनल सेपरेशन के इज द डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट चलिए अब काम करना शुरू कर देते हैं सो सी स्लैब यानी आफ्टर इंसर्टिंग द स्लैब इन एयर इट वॉज ए एफिशियन नॉट डिवाइडेड बाई डी वन माइनस वॉट इज द थिकनेस डी बाई टू डिवाइडेड बाई डी ब्रैकेट वन माइनस वन बाई के डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है तो हम भी इसे के ही रहने देंगे ध्यान दे के आना चाहूंगा क्योंकि मेजॉरिटी टाइम यहां पे एक सिली मिस्टेक होता है जो बहुत बच्चे करते हैं और मेजॉरिटी यानी सेवेंटी परसेंट बच्चे यही एक गलती कर देते हैं एंड दैट मिस्टेक इज कि वो इन टर्म्स को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं दे ट्राई टू सॉल्व दीज टर्म्स और कौन सी टर्म है वो देखो वो इस टर्म को सॉल्व करेंगे पहले दे विल सॉल्व इज और फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे बट लेट मी क्लियर बेटा आपको साफ दिख रहा है पहले वन बाई टू ब्रैकेट के साथ है इट मीनस इज दैट फर्स्टली यू हैव टू मल्टीप्लाई विद दैट ओके तो हमारे पास सी स्लैब क्या आएगा भाई तो सी स्लैब इज इक्वल टू ए एफिशियन नॉट बाई डी डिवाइडेड बाय वन माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस वन बाई टू और प्लस वन बाई टू के हम क्लियर तो अब इसे आपको सॉल्व कर देना है बस तो सी स्लैब सी डैश ले लेते हैं ए एफिशियन नॉट बाई डी वन बाई टू माइनस वन बाई टू के ओके ए एफिशियन नॉट बाई डी एल्सियम इज टू के एंड इट वुड बी के प्लस वन ये ये जो टू के है डिनोमिनेटर में ये यहाँ पे ये कहाँ चला जाएगा ऊपर तो हमारे पास सी डैश कितना बचेगा इट वुड बी ए अफिशियन नॉट बाई डी विच इज़ कैपेसिटेंस इन एयर मल्टीप्लाई बाई टू के डिवाइडेड बाई के प्लस वन डिवाइड में डिनोमिनेटर में क्या बचा जस्ट ओनली इन द डिनोमिनेटर वी हैव जस्ट ओनली वन थिंग विच इज के प्लस वन द ब्रैकेट सो हाउ वी कैन से दट द न्यू कैपेसिटेंस इज टू के बाई के प्लस वन टाइम्स ऑफ द कैपेसिटेंस इन एयर यानी जो हमारा नया कैपेसिटेंस होगा वो एयर वाले कैपेसिटेंस यानी बिफोर एडिंग द डायलैक्ट्रिक स्लैब उसका टू के बाई के प्लस वन टाइम्स हो जाएगा बट ये तब जब हमारा थिकनेस डी बाई टू आप इसे रट नहीं सकते क्योंकि आपकी थिकनेस कैसे भी वेरी कर सकता है एंड फॉर दिस वी नीड अ डायरेक्ट तो ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल है इसके लिए आपको एक्सप्रेशन लर्न करना पड़ेगा और वो आपके पास अवेलेबल होना ही चाहिए एम आई क्लियर टू दैट ओके सो दिस इज बीन लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये आज के आज के सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है बेटा सो द एंथ क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन मेरे पास दो तीन स्टूडेंट्स ने डाउट में सेंड किया था तो so, जैसे मैंने आपको कहा हुआ है दैट इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी लेक्चर या कोई न्यूमारिकल आपके फेस में आता है प्लीज टेक्स मी मुझे लिख दीजिए सो दैट इन द नेक्स्ट वीडियो मैं उन डाउट्स के साथ आपके साथ प्रेजेंट हो जाऊँ ओके क्वेश्चन नंबर थर्टीन लैंग्वेज बेस है तो थोड़ा ध्यान से समझ के ही सेज अ पैरल प्लेट कैपेसिटर सी इज चार्ज विद पोटेंशियल वी तो चलिए लिखते जाते हैं तो हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है द कैपेसिटेंस इज सी एंड द पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोग उसके अक्रॉस प्रोवाइड करवा रहे हैं इस कैपिटल वी इट इज़ कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर तो ये हमारा फर्स्ट कैपेसिटर था ठीक है एक सर्कुलर फॉर्म में ले लेता हूं और इसे कनेक्ट किया गया है एक अनदर अनचार्ज बट सेम कैपेसिटेंस तो एक दूसरा ले लेते हैं कैपेसिटेंस सेम है ये हमारे सेकेंड वाले की बात हो रही है बट वो अनचार्ज है तो उसका जो पोटेंशियल है ये हमारा V1 हो गया एक तरीके से बोले तो V1 वन इज इक्वल टू वी हो गया बट जो हमारा सेकेंड का पोटेंशियल है वो जीरो है, आर बीन कनेक्टेड इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है सो लेट सपोज दे आर बीन कनेक्टेड नाउ ही इज आस्किंग फाइंड द एनर्जी फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कंबाइंड सिस्टम यानी कंबाइंड सिस्टम में कितनी एनर्जी हुई टू दैट इस टू को समझना है कि किसका विद रिस्पेक्ट टू क्या चाहिए सो रेशियो ऑफ पहले तो कंबाइंड एनर्जी का टू द इनिशियल एनर्जी जो सिंगल कैपेसिटर में था तो भाई ये तो हमारी बिफोर की कहानी है चलिए अब चलते हैं आफ्टर की कहानी में तो ऑब्वियसली बात है फर्स्ट हैज अ ग्रेटर पोटेंशियल और अगर फर्स्ट का पोटेंशियल ज़्यादा है तो फर्स्ट चार्ज लूज़ करेगा और सेकेंड चार्ज को गेन करेगा और ये जो शेयरिंग और गेनिंग है ये कब तक चलती रहेगी ये तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता तो फर्स्ट के अंदर देखते हैं तो फर्स्ट का कैपेसिटेंस तो उतना ही रहेगा बट लेट सपोज द फर्स्ट का जो फाइनल पोटेंशियल है जिसे हम लोग कॉमन पोटेंशियल बुलाते हैं उसे हम वी नाम दे देते हैं सेकेंड का भी जो पोटेंशियल है वो भी कॉमन हो जाएगा तो वो भी वी सी ही रहेगा और जो सेकेंड का कैपेसिटेंस था वो भी सी ही रहेगा क्योंकि वी ऑल नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर जो है वो अगर पी पी सी होता तो एफिशियन नॉट बाई डी अगर स्पेरिकल है तो फोर पाए एफिशियन नॉट इन टू आर यानी वो डिपेंड करता है बॉडी के फिजिकल पैरामीटर पे ना कि बॉडी के पास चार्ज कितना है ना कि बॉडी के पास पोटेंशियल जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ना वाटर टैंक का कोई भी वाटर टैंक की कैपेसिटी कितनी है आप इमेजिन कीजिए आपके घर में वाटर टैंक की कैपेसिटी थाउजेंड लीटर ऑफ वाटर है तो थाउजेंड लीटर ऑफ वाटर इज द कैपेसिटी कि भाई कितना स्टोर कर सकता है अब लेट सपोज उसके अंदर टू बकेट्स ऑफ पानी है तो टू बकेट ऑफ पानी है एक्चुअल वो चार्ज है जो उसने स्टोर किया हुआ है वो डिसाइड नहीं करेगा कैपेसिटी वो उसका फिजिकल उसका रेडियस कितना है बाकी अदर चीजें करेंगे ओके okay? तो आई थिंक शेयरिंग होने से यानी एक टंकी से दूसरे टंकी में पानी जाने से उसकी कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो वो तो उतना ही रहेगा तो हमें कॉमन पोटेंशियल चाहिए तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला भाई याद करो ये या तो डायरेक्ट रिलेशन है और ये मैंने आपको टॉपिक भी करवा रखा शेयरिंग ऑफ द चार्जेस के नाम से सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द कॉमन पोटेंशियल द फॉर्मूला फॉर द कॉमन पोटेंशियल इज सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू डिवाइडेड बाय सी वन प्लस सी टू तो न्यू फर्स्ट कैपेसिटेंस सी वन सी भाई फर्स्ट का इनिशियल पोटेंशियल वी था प्लस सी टू सेकेंड का इनिशियल पोटेंशियल जीरो डिवाइडेड बाय सी प्लस सी सो वॉट वी हैव सी वी डिवाइडेड बाई टू सी एंड सी कैंसिल विद दैट कैंसिल सो वॉट इज द कॉमन पोटेंशियल वी बाई टू तो हमारा कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया V बाई टू ओके अब हमें अपनी एनर्जी का रेशियो चाहिए तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाएंगे प्लीज सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द नेक्स्ट स्लाइड बट अपने क्वेश्चन को अपने दिमाग में एक बार बिठा लेंगे सारे के सारे दैट इनिशियल कैपेसिटेंस सी है मतलब कैपेसिटन दोनों के आइडेंटिकल हैं और कॉमन पोटेंशियल वी बाई टू आया ओके तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट ब्लैंक पेज पे चलते हैं और वहाँ पे काम करना शुरू करते हैं और वहाँ पे जब हम लोग काम करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल आई वो क्या आई तो हमें चाहिए एनर्जी वो भी कंबाइंड सिस्टम की आफ्टर शेयरिंग सो आफ्टर शेयरिंग कम्बाइंड एनर्जी कम्बाइंड मतलब दोनों की तो आफ्टर शेयरिंग फर्स्ट विद द सी कॉमन पोटेंशियल वी सी सेकेंड भी सी और उसका भी पोटेंशियल वी सी तो कंबाइंड एनर्जी यू फाइनल नाम दे देता हूँ इसे तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी वी सी स्क्वेयर दिस इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट प्लस एनर्जी ऑफ सेकेंड हाफ सी वी सी स्क्वेयर तो सिंस दोनों कॉमन है सो इट वुड बी टू टाइम्स ऑफ हाफ सी वी सी स्क्वेर एंड इट वुड बी जस्ट ओनली सी वी सी स्क्वेयर वेयर वी सी इज द कॉमन पोटेंशियल जो कि अभी अभी हमारे पास आया था वी बाई टू सो योर फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू सी वी बाई टू का स्क्वायर तो वी स्क्वायर बाई फोर दिस इज माय फाइनल एनर्जी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम जो हमसे पूछी गई थी दूसरी चीज हमें रेशियो निकालना है टू द इनिशियल एनर्जी जो उसके पास थी तो भाई इनिशियल हमारे था पास एक ही जिसके पास थी तो एनर्जी सेकंड तो 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 की फाइनल निकाल लेते सॉरी सेकंड की इनिशियल तो यू इनिशियल और वो भी सिंगल की क्योंकि सेकेंड वाले के पास तो थी नहीं तो इट वुड बी हाफ सी ओनली वी वन स्कोर तो हाफ सी v1 कितना था वी स्क्र यानी हमारी इनिशियल एनर्जी आ गई सी वी स्क्वायर बाई टू सो नाउ रेशियो फाइनल ऑफ़ द कंबाइंड टू द इनिशियल ऑफ द सिंगल तो फाइनल कंबाइन कितनी है सी वी स्क्वेयर बाय फोर इनिशियल सी वी स्क्र बाई टू सी वी स्क्र गोज विद दी वी स्क्वायर एंड इट वुड बी टू बाई फोर एंड द इट वुड बी वन बाई टू सो वॉट इज द रेशियो ऑफ फाइनल टू द इनिशियल इट वुड बी हाउ मच कितना गया वन बाय टू प्लीज इस बात को याद रखेंगे वन बाई टू और वी कैन से यू फाइनल रेशियो यू इनिशियल इज इक्वल टू वन रेशियो टू यानी जैसा कि आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि इनिशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन फाइनल ये देखो दिख रहा है आई थिंक आपको क्लियरली मैंशन हो रहा है यहां से दैट इनिशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन फाइनल और वहां पे हम लोगों ने टॉपिक भी पढ़ा था दैट ज द शेयरिंग ऑफ द चार्ज इन बिटवीन द टू कैपेसिटर और इन बिटवीन द टू बॉडीज जब भी शेयरिंग ऑफ द चार्ज होता है देर वुड बी ऑलवेज लॉस इन एनर्जी हमेशा वहां पर एनर्जी का लॉस ही होता है तो लॉस हो रहा है इसका मतलब इनिशियल ज्यादा होगा और फाइनल हमारा कम होगा एम ए क्लियर विद दिस क्वेश्चन आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है सबको ओके सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडे साइड आज के लिए केवल इतना ही हमने थर्टीन क्वेश्चन किए वन मार्क्स टू मार्क्स थ्री मार्क्स होप आप लोगों को कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी वी विल मीट सून विद द नेक्स्ट पार्ट टू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द कैपेसिटी के पार्ट टू के साथ मिलेंगे वहाँ पर कुछ लॉन्ग क्वेश्चन और देखेंगे कुछ और वेराइटीज़ के क्वेश्चन देखेंगे जो आपको हेल्प करेगा एम आई है सो टिल देन प्लीज एवरी थैंक्स फॉर Stay connected subscribe the channel share with your friends and stay healthy and complete the assignment please everyone